घोस्ट डिटेक्टर रियल रडार प्रैंक ऑफर्ड बाय TLA क्वाइज एंड बटन द्वारा इस एप्लीकेशन को 17 जून 2017 को गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया। TLA क्वाइज एंड बटन की तरफ से और भी कई सारे एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाकी इस एप्लीकेशन की कैटेगरी की बात कर लें तो इसकी जो कैटेगरी है वो कैजुअल है। कैजुअल यानी कि एक गेमिंग कैटेगरी है जिसमें काफ़ी सारे गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। ये वो काली कैटेगरी है जिसमें, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्ले। प्ले का मतलब यही होता है गेम, यानी कि कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन होती है जो कि कैजुअल कैटेगरी है तो वहाँ पर प्ले ही लिखा हुआ होता है, ओपन नहीं लिखा हुआ होता है। अब इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में चल के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यह एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन की कौन कौन सी परमिशंस लेती है। तो ये एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन की फुल नेटवर्क एक्सेस परमिशंस ले लेती है। बाकी अब मैं इस एप्लीकेशन को प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद देख लेते हैं। हालांकि ये एप्लीकेशन एक गेमिंग एप्लीकेशन है, फिर भी हम प्ले करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। प्ले करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्कैन नाउ का ऑप्शन दे रहा है तो हम स्कैन नाउ पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपके सामने डिटेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्कैनिंग, कैलकुलेटिंग EMF इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर ये रडार शुरू हो चुका है। अब देखते हैं ये हमें कितने सिग्नल देता है। ये स्कैनिंग कर रहा है, अब देख लेते हैं कौन कौन से सिग्नल ये हमें देता है। तो अभी वेट कर लेते हैं, अभी हमें एक सिग्नल मिल चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये दूसरा, तीसरा, तीन सिग्नल हमें देखने को मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप जिस भी सिग्नल पर टैप करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा जिसका आपको मैं हिंदी ट्रांसलेशन दे दूंगा। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है डेंजर, 0 से 10 की रेटिंग दी गई है शायद, तो इसे कट करते हैं। बाकी यहाँ पर इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जिसका मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन इसी स्क्रीन पर दे दूंगा। बाकी यहाँ पर कट करते हैं और ये थर्ड वाले पर टैप करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनिमल स्पिरिट, ये भी डेंजर है। इसका भी अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो मैं इसी स्क्रीन पर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन दे दूंगा। अब यहाँ से इसे कट करते हैं। तो इस तरीके का ये इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है। ऐड आ गया, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को बंद करता हूँ और बंद करने के बाद एंड में कंक्लूज़न दे देता हूँ आपको। तो कंक्लूज़न की बात करें तो ये एप्लीकेशन एक गेमिंग एप्लीकेशन है, तो सीधी सी बात है ये एक एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। बाकी यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी है वो कैजुअल टाइप की है। कैजुअल में आपको गेमिंग एप्लीकेशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कैजुअल कैटेगरी है आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी गेमिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो ये सिर्फ एक गेमिंग एप्लीकेशन है, यानी कि एक यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है तो प्ले का मतलब यही होता है कि ये एक गेमिंग एप्लीकेशन है और आप इसका यूज़ कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पर। बाकी लिखा हुआ है नाम की तरफ भी रियल रडार प्रैंक, तो ये एक प्रैंक एप्लीकेशन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक गेमिंग एप्लीकेशन है। डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है तो इस पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही आप लोग इसे यूज़ करें। बाकी मिलते हैं किसी और एक नई घोस्ट हंटिंग एप्लीकेशन के साथ।